हाय फ्रेंड्स, मैं विश्वनाथ गौड़, फिनोकोड यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं एक इंटरेस्टिंग न्यूज के ऊपर। जी हां, और वो हमारा इंटरेस्टिंग न्यूज है क्या, जीएसटी के ही तहत है। और वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन लोग जो ऐसे हैं जो आईटीसी का क्रेडिट नहीं ले सकते। आज हम उन्हीं के बारे में थोड़ा सा एक शॉर्ट आपको अमेंडमेंट बताएंगे गवर्नमेंट जीएसटी की तरफ से, जो भी उसने अमेंड किया है और उसमें क्या अमेंड किया है कि कौन से लोग जीएसटी में आईटीसी का क्रेडिट नहीं ले सकेंगे। चलिए जानते हैं उसके बारे में, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारे अपडेट वीडियो आने वाले देखते रहिए। तो चलिए हम जानते हैं इसी विषय में। तो फ्रेंड्स, चलिए हम बताते हैं कि आपको कौन लोग ऐसे हैं जो जीएसटी के अंतर्गत आईटीसी का जो क्लेम है वो नहीं कर सकते। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात निकल के आई है वो ये कि जो लोग इनवाइस का पेमेंट नहीं करते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। सपोज करिए, यदि कोई व्यक्ति जिसने गुड्स या सर्विस रिसीव की है और उसने जिस महीने में गुड्स या सर्विस रिसीव की है उसके ऊपर का जो टैक्स है उसका उसने आईटीसी अवेल कर लिया है उस महीने, लेकिन उसने उस इनवाइस की पेमेंट नहीं की है। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि मान लीजिए कोई पर्सन है जिसने गुड्स या सर्विस रिसीव की है, यानी उसने परचेज की है और उसने उस महीने उस परचेज के ऊपर लगने वाले टैक्स का यानी कि आईटीसी क्रेडिट ले लिया है, अवेल कर लिया है, लेकिन उसने उस इनवाइस की पेमेंट नहीं की है सामने वाले सप्लायर को, तो उस केस में ध्यान देने की बात है फ्रेंड्स कि जीएसटी अथॉरिटी ने वहां पे एक टाइम पीरियड रखा है 180 दिन का, जो कि जीएसटी के अंतर्गत जो टैक्स इनवाइस इशू किया गया है उस डेट से, जी हां उस डेट से 180 दिन के अंदर, 180 डेज के अंदर अंदर जो है उस व्यक्ति को जिसने गुड्स या सर्विस रिसीव की है उसे उस टैक्स इनवाइस की पेमेंट करनी होगी फ्रेंड, तभी वो आईटीसी का पूरी तरह से क्रेडिट का हकदार होगा। यदि किसी व्यक्ति ने जिसने गुड्स या सर्विस रिसीव की है और वो उसका आईटीसी का क्रेडिट उस महीने ले चुका है लेकिन उसने उस इनवाइस की पेमेंट नहीं की है सप्लायर को, वो भी 180 दिन तक, तो फिर यहाँ पे जीएसटी की तरफ से जो भी उसका आईटीसी और रिवर्स हो जाएगा और वो उसकी जो उसने क्रेडिट लिया था आईटीसी का वो रिवर्स कर दिया जाएगा और वो सीधा सीधा उसकी आउटपुट टैक्स की लायबिलिटी में ऐड कर दिया जाएगा विद इंटरेस्ट। जी हाँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है कि अगर आपने कोई गुड्स या सर्विस रिसीव की है तो आप उस मतलब टैक्स इनवाइस की पेमेंट 180 दिन के अंदर अंदर जरूर कर दीजिए, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, सप्लायर को उस टैक्स इनवाइस की पेमेंट नहीं करते हैं 180 दिन के अंदर अंदर, तो फिर जीएसटी की तरफ से जो भी आपने उसका क्रेडिट लिया है वो क्रेडिट रिवर्स हो जाएगा और वो आपकी आउटपुट टैक्स की लायबिलिटी में जोड़ दिया जाएगा, वो भी इंटरेस्ट के साथ। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज थी तो मुझे आपको देनी बहुत जरूरी थी। इससे हो सकता है आप अपने जो भी आपने आप अगर गुड्स और सर्विस के रेसिपिएंट हैं तो आप अपने इनवाइस की तुरंत पेमेंट्स कर देंगे। इसका एक ही मकसद है सरकार का कि लोग फर्जी इनवाइस कम से कम रेस करें, क्योंकि बहुत से ऐसे मामले देखने को आ रहे हैं कि जिसमें बहुत से बिजनेसमैन फर्जी इनवाइस रेस करके आईटीसी का क्रेडिट ले ले रहे हैं लेकिन वो उस इनवाइस तक की पेमेंट तक नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो एक रूल्स निकाला है ये इन्हीं फर्जी इनवाइस को रेस करने वाले लोगों के अगेंस्ट है कि वो किसी भी तरह का कोई फर्जी इनवाइस रेस ना कर सके। इसके लिए ही गवर्नमेंट ने ये नियम निकाला है कि आप जब तक अपने टैक्स इनवाइस की 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं कर देते सप्लायर को, तब तक जो भी आपने गुड्स और सर्विस रिसीव की है आप उसके अगेंस्ट जो भी आपका आईटीसी बनता है उसका आप क्रेडिट नहीं ले सकते। और यदि आपने ले लिया है और आपने उस इनवाइस की सप्लायर को पेमेंट नहीं की है तो फिर जीएसटी की तरफ से वो आईटीसी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा और वो बल्कि आपके आउटपुट टैक्स की लायबिलिटी में जोड़ दिया जाएगा, जिससे कि आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी और वो भी इंटरेस्ट के साथ। सो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको जरूर लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपने व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक पर भी ये इन्फॉर्मेशन अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव को फॉरवर्ड करते रहिए। कमेंट बॉक्स में भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसको टाइप जरूर कीजिए ताकि हमें भी आपके क्वेश्चंस मिले और हम उसका उचित उत्तर आप तक पहुंचा सकें। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।